मॉर्निंग। आज जब कर रहे हैं एक्सरसाइज, टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टू लाइन पैरेलल जब होती हैं तो उसका ये होता है, तो ट्रायंगल का जो बाहर का ये वाला अंदर का जो एक एंगल है वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये होता है एक्स इज इक्वल टू 20 + 30 यानी 50 डिग्री, इन दोनों का सम के इक्वल ये होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में LM जो है वो पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 12 में L और M लाइन जो है ये दोनों पैरेलल है और P और Q एक दूसरे के पैरेलल है यानी समांतर है, इक्वल डिस्टेंस है। तो आप वैल्यू निकाले तो आपको पता है ये 75 है, तो आपको ये पता है कि ये वाली भी कितनी होगी, 75 होगी। कारण रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में x और 75 मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम क्या लिखे, x प्लस 75 इज इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हो गया, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी x इज इक्वल टू 180 - 75, तो कितना हो गया 105 डिग्री। अब x निकल गई तो y जो है आपको पता है, y अगर आप यू देखो पैरेलल लाइन दोनों, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 75 डिग्री। कारण होगा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। आगे आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इस फिगर को देखते हुए पी क्यू आर एस एक्स जेड इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो अगर हम इधर से देखते हैं तो ये एक्स किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। तो एक्स की जगह लिखते हैं हम 60 डिग्री। कारण क्या होगा, जब ये दोनों पैरेलल दिख रही है तो यानी ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमें पता है कि ये x अगर ये है तो x का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है, z। तो z इज इक्वल टू भी क्या होगा, 60 डिग्री, यानी ये भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कारण कि z किसके बराबर है, x के बराबर है। यहां ब्रैकेट में लिख दो, चाहे z है वो x के बराबर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसलिए अब आपको पता ये भी पता है कि z के सामने वाला p, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इक्वल होगा। तो P इज इक्वल टू भी होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, साइड पे लिख देते हैं कि P किसके बराबर है, P है Z के बराबर, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट को मैंने O डबल P से करके छोड़ दिया, आप अपोजिट पूरा लिख लीजिएगा। अब आपको पता है कि P और X ये दोनों बराबर होंगे, P और X वैसे भी हो जाता है, अगर P को X से मिलाए तो भी 60 डिग्री होगा। रीजन है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल भी बन रहे हैं। अब हमारे पास में है Q, तो हमें एक ही चीज देखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंगल x और s मिला के हमारे पास होता है स्ट्रेट लाइन s और x, या फिर आप s और z को जोड़ दो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं हम, s प्लस z। तो हमें s की पता नहीं है, हम इससे निकाल लेते हैं x प्लस z। x प्लस z इज इक्वल टू है 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें पता है यानी 60 डिग्री, यानी कि 60 प्लस z इज इक्वल टू 180 और z इज इक्वल टू हो गया, सॉरी x की जगह पे 60 प्लस s है, ये z नहीं है, s लिखना है क्योंकि अपन x s की वैल्यू निकाल दे ना पहले, तो s लिख दो। अब ये हो गया x प्लस s इज इक्वल टू 180 और 60 प्लस s, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से माइनस कर दो 60, तो कितना आ रहा है, 180 में से
60 माइनस करेंगे तो आएगा 120 डिग्री, और ये रीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, दोनों एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हो गया लीनियर पेयर, लीनियर पेयर लिखते हैं। अब हमारे पास में एस पता चल गया, तो आपको पता है एस के इक्वल क्यू होगा, यानी ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा कि क्यू किसके बराबर है, एस के बराबर है, और उसका रीजन क्या है, क्यू और एस क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगला एंगल आर, अब एंगल आर देखो तो एस के सामने वाला एंगल आर है, तो लिख सकते हैं हम आर जो है वो भी कितने बराबर होगा, एस के बराबर, यानी 120 डिग्री। उसका रीजन है कि आर किसके बराबर है, एस के बराबर। रीजन दे देते हैं, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट से निकाल देते हैं अपन, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं अपन, तो आर तो आर और क्यू इक्वल होते हैं, उस तरह से भी निकाल सकते हैं अपन। तो ये हो गया है आर किसके बराबर है, एस के, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया है, 120 डिग्री। तो ये हमारे पास में आ गई पी क्यू एक्स, सबकी वैल्यू निकल गई है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट, इसी के साथ 9 चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में करते हैं अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।